केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज जो पेश किया गया बजट वो पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। उसमें बेरोजगारी दूर करने के कोई उपाय नहीं है, उसमें किसानों को राहत देने की कोई योजना नहीं है। देश का किसान 2 महीने से ज़्यादा सड़कों पर बैठा आंदोलन कर रहा है और 3 काले कानूनों को वापस लेने की बात कर रहा है। देश के किसान को इग्नोर किया गया है और जो श्रमिक है, जो बहुत बड़ी संख्या में है, उन श्रमिकों के जीवन में कैसे बेहतरी आए उसके कोई उपाय इसमें नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की गई है, लेकिन उसको किस दिशा में ठोस प्रावधान इसके लिए किया जाना चाहिए वो प्रावधान इसमें नहीं है। आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल में जिस ढंग से बेतहाशा वृद्धि हुई है, आज ऑटो मोबाइल पार्ट जो है उनको और महंगा कर दिया। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, देश में महंगाई बढ़ेगी, महंगाई को कम करने का उपाय नहीं है। तो आम आदमी की कमर तोड़ने वाला बजट है कि नहीं है ये बताओ। प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बड़ा अमाउंट घोषित किया था, उसका रिफ्लेक्शन इस बजट में नज़र आता नहीं है। अब 35,000 करोड़ रुपये आपने वैक्सीनेशन के लिए तय किए हैं, देश की पूरी 135 करोड़ की आबादी उसको निशुल्क वैक्सीन देने का सवाल है। भारत सरकार को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अधिकांश राज्यों ने ये मांग की है कि वैक्सीनेशन का टोटल खर्चा भारत सरकार उठाए। क्या 35,000 करोड़ में सारा वैक्सीनेशन हो जाएगा देश के लोगों का? कई सवाल ये बजट छोड़ रहा है। हमारे जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें जो NFSA के लोग हैं उनका टोटल पैसा राज्य राज्य सरकार वहन कर रही है, और जो भारत सरकार का 59 लाख लोगों का है उसका 60% भारत सरकार दे रही है, उसमें भी 40% राज्य को वहन करना पड़ रहा है। हमारी मांग ये है कि हम लोग अभी वास्तविकता में 78% पैसा राज्य वहन कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार को इसका 90%, चाहे वो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे भारत सरकार के जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो सोशियो इकोनॉमिक जो जनगणना है उनके लोग हैं, सभी का 90% खर्चा भारत सरकार को उठाना चाहिए, 10% राज्य वहन करें, क्योंकि राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। अब इसी तरह से आयकर में कोई छूट नहीं दी गई है कोई, और ये बजट किसको समर्पित है मेरे समझ में नहीं आया। 4 राज्यों में चुनाव है, उन 4 राज्यों के लिए आप पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, तो बाकी देश ने क्या गुनाह किया? राजस्थान ने क्या गुनाह किया? ये चुनावों को समर्पित बजट है वोट लेने के लिए। आप उन राज्यों में, पश्चिमी बंगाल में चुनाव है तो वहां के लिए पैकेज घोषित कर रहे हैं, वेस्ट इसमें आसाम में चुनाव है तो वहां के लिए पैकेज हो रहा है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, वहां के लिए आप बजट में प्रोविजन कर रहे हो, तो बाकी देश के अन्य राज्यों ने क्या गुनाह किया है? इस तरह से जो ये राजनीति को समर्पित बजट है ये देश में आक्रोश का वातावरण पैदा करेगा, क्योंकि उन राज्यों को इग्नोर किया गया है जहां चुनाव नहीं है। तो कुल मिला के ये बजट नौजवान विरोधी है, इसमें बेरोजगारी दूर करने का कोई उपाय नहीं है, ये किसान विरोधी है, 3 बिलों के बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं है, और ये श्रमिक विरोधी है और देश में महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। इसलिए मैं इस बजट को निराशावादी और अदूरदर्शितापूर्ण बजट बताता हूँ, जिससे आम आदमी की जो जिंदगी है उसको बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं मिलेगी।